स्वागत है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। हमारा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी चीज़ जानते हैं। हमारा जो सेक्शन रहता है वो आपका रहता है इंपॉर्टेंट प्रश्न का, जिसमें हम डेली 10 जो प्रश्न है वह डिस्कस करते हैं। प्रश्नों को डिस्कस करने से पहले हम आपको बता दें कि UPSI जो महासंग्राम 2021 है, इसके नोट्स UPSI के सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स आपको मात्र 149 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 PDF का संग्रह टॉपिक टू टॉपिक है, जैसे सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण GS, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित और तर्क परीक्षण, कंप्यूटर, प्रमुख संस्थाओं जैसे कई जो महत्वपूर्ण टॉपिक है यह कवर किए गए हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप पर इस नंबर पर आप मैसेज या और कुछ जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद। चलिए हमारे प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर पहला है कि भारत में माओवाद का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास कार्ल मार्क्स, लेनिन, चारू मजूमदार या फिर बिरसा मुंडा को। आपको बता दें कि भारत में जो माओवाद है इसके जनक आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि चारू मजूमदार को क्या कहा जाता है, भारत में माओवाद का जनक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में वामपंथी उग्रवाद की शुरुआत किस शय यानी कि आंदोलन को कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास तेभाग आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, नक्सलवाड़ी की घटना या फिर रूस क्रांति। आपको बता दें कि भारत में वामपंथ उग्रवाद की जो शुरुआत है वह तेभाग आंदोलन को कहा जाता है। ठीक है, देखिए तेभाग आंदोलन 1946 में शुरू हुआ और किसानों को जिम्मेदारी के खिलाफ एकजुट होने का नेतृत्व किया। ठीक है, इसमें क्या था कि किसानों को जिम्मेदारी के खिलाफ एकजुट होने के लिए यह एक नेतृत्व था जो कि 1946 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन को भारत का पहला माओवाद उदाहरण होने का श्रेय दिया जाता है। प्रश्न नंबर तीसरा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन MSMEs के लिए प्री पैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन के बारे में सही है। चलिए ऑप्शन है आपके पास पहला, इस प्री पैक का जो मुख्य उद्देश्य है वह है दिवालिया MSMEs को वैकल्पिक इंसॉल्वेंसी जो कि रिजोल्यूशन प्रक्रिया प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर दूसरा है आपके पास, लेनदारों और निवेशकों को संकल्प योजना पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मंजूरी की आवश्यकता है। आपको बता दें कि इसका जो पहला और दूसरा दोनों कथन ही सत्य है। आइए देखेंगे इस MSME यानी कि इंसॉल्वेंसी प्री बैंक का मुख्य उद्देश्य दिवालिया हो चुके यानी कि MSES को एक वैकल्पिक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रक्रिया प्रदान करना है। सभी लेन देन और निवेशक पहले एक समझौते पर पारस्परिक रूप से सहमत होंगे और फिर संकल्प योजना पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT की मंजूरी लेंगे। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों ही सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है आपके पास निर्मला सीतारमन, MS साहू, अंजय त्यागी या फिर सुनील अरोड़ा। आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि MS साहू। MS साहू इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के क्या है अध्यक्ष बने हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि करेंसी चेस्ट क्या है। ऑप्शन है आपके पास RBI की डिपॉजिटरी, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास संबंधित बैंक की जमा राशि या फिर वित्त मंत्रालय की डिपॉजिटी। तो आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है यानी कि RBI की डिपॉजिटरी। व्याख्या, एक करेंसी चैट भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का एक डिपॉजिटरी है जिसे बैंक और ATM के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी अतिरिक्त धन संग्रहित होते हैं। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा यानी कि RBI की डिपॉजिटरी।
अगला प्रश्न है आपका कि करेंसी चैट में पैसा किसका होता है। ऑप्शन है आपके पास बैंक, आरबीआई, वित्त मंत्रालय। आपको बता दें कि मैंने अभी ही आपको बताया था कि आरबीआई ही बताया था, तो आरबीआई करेंसी जो है इसमें क्या होता है कि इसमें आरबीआई पैसा सिर्फ मतलब आरबीआई का ही होता है। करेंसी चेस्ट में किसका पैसा होता है, तो आपको याद रखना है आरबीआई का, यानी कि द बैंक आरबीआई। चलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पशु कोशिकाओं के बारे में सही है। ऑप्शन है आपके पास पशु कोशिकाएं आकार में वर्गाकार या आयताकार होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा है आपके पास पशु कोशिकाएं में जो प्लास्टिस्ट है यह नहीं होते हैं। तो आपको बता दें कि इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि पशु कोशिकाओं में प्लास्टिड नहीं होते हैं। बाकी यह आकार में क्या होती है, वर्गाकार भी होती है और आयताकार भी होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कोशिका की बैकबोन किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास राइबोसोम, माइटोकांड्रिया, अंतर्द्रव्यजालिका या फिर प्लाज्मा झिल्ली। ये क्वेश्चन आपका साइंस का है तो आपको बताना है, तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंतर्द्रव्यजालिका को कोशिका की बैकबोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका की बैकबोन किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है अंतर्द्रव्यजालिका को। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए अंतर्द्रव्यजालिका कोशिका की संरचना प्रदान करता है और इसे कोशिका की रीढ़ या बैकबोन कहा जाता है। जो रीढ़ की हड्डी है वह, या फिर उसे बैकबोन कहा जाता है। बैक यानी जो पीछे, बोन यानी आपकी हड्डी। तो आपको याद रखना है कि जो अंतर्द्रव्यजालिका है यह, इसे रीढ़ या बैकबोन के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रिग्रेसिफिकेशन यूनिटी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आपके पास गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। आपको बता दें इसका जो सही जवाब है वो आपको होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र में भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रेग्रोफिकेशन यूनिटी स्थापित की है, यानी कि स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए महाराष्ट्र को अजयगढ़ टर्मिनल रत्नागंज जिले, ठीक है, क्या कौन सा जिला है, रत्नागंज जो जिला है उसमें भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रिगेसिफिकेशन यूनिटी मिल गई है। कहाँ पर है, तो यह महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र को जयगढ़ जो टर्मिनल है वहाँ पर, रत्नागंज जिला है वहाँ पर, ठीक है, क्या है, तो यह भारत की क्या है, पहली यूनिट है जो कि फ्लोटिंग स्टोरेज एंड जो रेगिफिकेशन होते हैं उसकी यूनिट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास जोसेफ जोत हाल ही में चर्चा में रहे हैं, वह निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन है आपके पास सिंगापुर, हेती, वेस्ट इंडीज या फिर मेक्सिको। आपको बता दें कि यह हेती के क्या है, प्रधानमंत्री थे। देखेंगे हम कि यह चर्चा में क्यों रहे थे, हिंसा और राजनीतिक संघर्ष के बीच हो जो हेती है इनको प्रधानमंत्री के, जो प्रधानमंत्री है जिनका नाम जोसेफ जोत था, इन्होंने 14 अप्रैल 2021 को इस्तीफा दे दिया था। आज का आपका अभ्यास प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है, ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, नहीं लिखी है। आपके पास ये चार ऑप्शन है, आपको इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और आप जितना भी बी आर अंबेडकर के बारे में जानते हैं वह चीज़ें भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर लगभग सभी बच्चे देंगे। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।